अब के तो पानी भी आ रहा है, साबुन वाला पानी आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है, कीड़े भी आ रहे हैं पानी के अंदर। अब सर एक बात बताओ, हम बीमार वैसे भी झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान रहते हैं, उस पानी को पी के बिल्कुल ही मर जाना तो अच्छा है। डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ रुपए का पानी जो है मार्केट से बोतलों का मंगा के जब पिया जाता है। के सभी वार्डों में हम जा रहे हैं, जो स्थितियां बड़ी भयंकर है। अब ये झुग्गी के मेरे भाई बहन परेशान है कि यहाँ रात भर ये बहने पानी के लिए धक्का खाती हैं और दिन में इन्हें काम करना होता है, सबको अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो कह रहे हैं हम रोजी रोटी कमाएं और पानी के लिए रात भर जागे। इतनी स्थितियां, बच्चे कई कई दिन से नहा नहीं रहे, खाने पीने को पानी नहीं है इनके पास। लेकिन दिल्ली की सरकार बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट प्रशासन के कारण, दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने एक सफेद हाथी बना के रख दिया और दोषारोपण करने इनका काम है, लेकिन इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। You can see that people from the colony have come out in support of BJP and have been chanting slogans against Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party government, saying that instead of doing press conferences, come look at the ground realities. The MLA, the local MLA, the BJP and the Aam Aadmi Party MLA from the area has stopped responding to their calls, have stopped meeting them, have stopped adhering to their demands, and this is what the locals are alleging. समस्या हो रही है पानी की, एक कहां से पानी लाऊं मैं बताओ, पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। पानी भरने जाते हैं तो बाल्टी फेंक के मारते हैं आदमी लोग, वहां सब पानी भी नहीं भरने देता, बहुत गंदा पानी आता है, कीड़े का पानी आता है, पानी बिल्कुल समस्या पहले ना थी अब तक हो रही है।